देश के अलग अलग राज्यों में गर्मी शुरू होने के बाद अब हीट वेव यानी गर्मी की लहर और गंभीर हीट वेव की स्थिति बनती जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और गुजरात में हीट वेव चलने की पूरी संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलेंगी। अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में गंभीर हीट वेव चलने की संभावना है। हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में बन रही है। दिल्ली और दक्षिण हरियाणा में अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू संभाग में भी अगले 5 दिनों तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं विदर्भ में 6 और 7 अप्रैल को हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में 6 अप्रैल को हीट वेव की संभावना जताई गई है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, साथ ही लोगों को बिना वजह घर से नहीं निकलने की सलाह भी दी गई है। इन राज्यों में अभी कोई बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक आदि राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश का अनुमान है। दूसरी तरफ मंगलवार को देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान महाराष्ट्र के अकोला में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में यूपी के झांसी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।